पूरा एपिसोड देखने के लिए सोनी लिव ऐप डाउनलोड करें। अंकल आपको कुछ नहीं हो सकता। अंकल प्लीज आगे खोलिए। अंकल अंकल अगर आपको कुछ हो गया तो रेयांश पूरी दुनिया में आग लगा देगा। अंकल अंकल एक आप ही तो है जिसके लिए उसके दिल में प्यार है, इंसानियत है। अंकल डैड अंकल आपको कुछ नहीं हो सकता। अंकल आपके बिना रेयांश पूरी तरह खो जाएगा। अंकल आज तक उसने जो कुछ भी किया सब आपके लिए किया। अंकल उसे लगता है कि उसकी जिंदगी में नफरत सबसे बड़ी चीज है, पर नहीं अंकल वो आपसे बहुत प्यार करता है। अंकल आपका प्यार, आपके आंसू, आप उसके लिए सब कुछ है। अंकल अंकल अगर आपको कुछ हो गया तो रेयांश पूरी तरह के लिए खो जाएगा। अंकल अंकल मैं उसे खोना नहीं चाहती। अंकल आई लव हिम, आई लव हिम। अंकल मैं बहुत प्यार करती हूँ उससे। अंकल मैं उसे नहीं खोना चाहती। अंकल 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 आपको उठना पड़ेगा। अंकल रेयांश के लिए। अंकल अंकल आपके बिना मैं रेयांश को खो दूंगी। अंकल अंकल नहीं। अंकल कहाँ है रेयांश? अब ये भी उसके प्लान का कोई हिस्सा है क्या? फिरेन मुझे नहीं पता वीके और रेयांश कहाँ गए, मुझे सच में नहीं पता। लेकिन किसी को तो कुछ पता होगा, ये कोई तरीका है क्या? I'm sorry, लेकिन बहुत कोशिश करी हूँ कॉल करने की भी लेकिन कॉल लगे नहीं रहा। मेरी बेटी के साथ जो हो रहा है पहले उससे संभालिए। यहाँ सबके सामने खड़े होकर आप दोनों तमाशा मत कीजिए। किमी दी, डोंट वरी, सब मैनेज हो जाएगा, सब अंडर कंट्रोल है। यार थोड़ा डिले चल रहा है बट एवरीथिंग इज फाइन। कोको मैंने कहा ना, जब तक रेयांश यहाँ पे नहीं आ जाता मैं इस कमरे से बाहर नहीं निकलूंगी। बट दी एटलीस्ट मुझे तो अंदर आने दो प्लीज। नो डैम। और आप कादंबरी जी, आप बहुत बड़ी सेलिब्रिटी है, महान सिंगर है, आपको देखने के लिए दुनिया भर के लोग आए हैं, दुनिया भर की प्रेस आई है। अब आप ये डिसाइड कीजिएगा कि आप इन सब के सामने तमाशा खड़ा करना चाहेंगी या फिर कोई सलूशन निकाल कर मेरी बेटी की इज्जत संभालेंगी। और आप पहले अपनी बेटी को संभालिए। दुल्हा गायब, दुल्हन नाराज, चल क्या रहा है शादी में ब्रो? मॉम, रेयांश जीजू के साथ आराधना भी मिसिंग है। क्या? पर वो अभी अभी तो यही थी, मेरे साथ आई थी वो। नहीं मॉम, वो आई, रेयांश जीजू से बात की और दोनों साथ में गायब हो गए। प्लीज देख लो ना, कहीं पंडित को भी साथ ना ले गए हो। अच्छा मैं उसे फोन करती हूँ। ये आपने क्या किया अंकल? आप जैसे जिंदा दिल इंसान से मैं ये उम्मीद नहीं रखती। क्यों किया आपने ये? मेरी वजह से आज मेरा बेटा एक हैवान बनता जा रहा है। गलत कह रहे हैं आप अंकल, आप अपने आप को चोट पहुंचा के रेयांश को भी चोट पहुंचाएंगे। वो आपके लिए जीता है अंकल, आप वादा करिए आज के बाद जो भी हो आप अपनी जिंदगी के साथ ऐसा खेल नहीं खेलेंगे। उस बच्ची को बचा लो, उसका कोई कसूर नहीं है, हम सब डूब जाएंगे, उसे बचा लो।
अरे तो फिर से शादी टूट गई। मैं तो कहती हूँ नेक्स्ट टाइम सेम कपड़े और सेम गिफ्ट लेकर आ जाएंगे। अगर आप लोगों का खाना हो गया और आप थोड़ी देर वेट नहीं कर सकते तो जाइए यहाँ से, प्लीज जाइए। वीरेन, वीरेन क्या कर रहे हो? सॉरी भाई साहब, सॉरी वीरेन। वीरेन क्या हो गया है तुम्हें? क्यों तमाशा क्रिएट कर रहे हो? सब देख रहे हैं। मैं नहीं चाहता कि ये शादी हो, लेकिन इस तरह तो बेचारी के मार टूट जाएगी। आराधना भी फोन नहीं उठा रही है, मैं किसी और को फोन करती हूँ। हेलो, आराधना से बात हुई? अंकल आप प्लीज किसी भी तरह रियांश को रोक लीजिए, अगर उसने किमाया के साथ फेरे ले लिए ना तो। मुझे नहीं लगता अब वो ये शादी करेगा, मगर फिर भी मेरा मन कहता है अभी एक तूफान बाकी है। रियांश कहाँ थे? वीके कहाँ है? रियांश, रियांश रुक जाओ, कहाँ जा रहे हो? मुझे किमाया से कुछ बात करनी। तुम कहीं नहीं जा सकते रियांश, तुम्हारा खेल खत्म हो चुका है, तुम्हारा असली रंग सामने आ चुका है और मैं ये शादी नहीं होने दूंगी। बोल दिया, मैं जो भी कहूँगा किमाया से कहूंगा, नाटक मत कीजिए। रियांश वो दरवाजा नहीं खोल रही है, वो किसी से बात नहीं करना चाहती। वो मेरे लिए दरवाजा खोलेगी, मुझसे बात करेगी। रुक जाओ रियांश, सबके सामने तमाशा मत कीजिए, मान लीजिए। रियांश, मालिनी हमें पहले लोगों को यहां से निकालना चाहिए, उसके बाद देखते हैं। हाँ माया, तुम चाहो तो मुझसे नफरत कर सकती हो, मुझे नफरत की आदत है। 'Cause I deserve it. मैं न जाने इस नफरत में कितना खो गया कि मैं भूल गया इस नफरत का दाम तुम्हें चुकाना पड़ेगा। कि माया, मेरी रंजिश में तुम्हारा कोई रोल नहीं और कोई कसूर भी नहीं। मेरे लिए तुम हमेशा से एक प्यारी सी स्वीट लड़की थी और मैंने तुम्हें यूज किया। Really sorry यार, तुम्हें मेरे और हंगर जैसे नकारे लड़के ही मिलते हैं यार, पर इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है। तुम एक बहुत अच्छी लड़की हो, तुम्हें कोई ऐसा लड़का मिलेगा जो तुम्हें बेइंतहा प्यार करेगा। आराधना की प्यार की बरसातें मुझे यहां तक ले आई और फिर एक नफरत की आंधी ने सब कुछ उजाड़ दिया। उसी आंधी में तुम भी मेरे साथ फंस गई कमाया। मैंने ये समझने में देर कर दी कि अपने दिल के घाव भरने में किसी को यूज नहीं करते। कि मैं आई एम रियली रियली सॉरी यार कि मैंने तुम्हें यूज किया, मैं बहुत सेल्फिश बन गया। मैं शायद अपने आप को समझाता था कि तुम्हें कुछ नहीं होगा, तुम्हारा दिल नहीं दुखेगा, कि तुम स्ट्रांग हो, कि तुम समझोगे, पर ये मेरी गलती थी यार। अपने दिल के घाव को किसी और के घाव से मैंने ऊपर रखा। कि मैं, मुझे माफ कर दो यार। You know what, आराधना और मैं एक दूसरे के साथ बंधे हुए हैं यार, और हमारे साथ तुम भी। कि मैं तुम्हें बताना चाहता हूं कि आराधना तुम्हारी बहन है, वो मालिनी जी की बेटी है और इसीलिए वो तुम्हें मुझसे बचाना चाहती थी। वो तो
अपने प्यार को कुर्बान करने के लिए तैयार थी तुम्हारे खातिर, पर जब उसे सच पता चला कि मैं तुम्हारे बाप से बदला लेने के लिए तुमसे शादी कर रहा हूं, तो उसने तुम्हें चुना। पूरा एपिसोड देखने के लिए सोनी लिव ऐप डाउनलोड करें।